हर्षवर्धन जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, अभी आपने जब शुरू किया तो आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसी संख्या दे दी जिसके बाद ज्ञानवापी पर जो कुछ होगा वो तो छूट जाएगा। आप 30,000 की संख्या दे रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा, ये तीन स्थान दिखते हैं कि हिंदुओं के आस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, लगता है कि एक मंदिर है, एक स्थान है। अब अगर ये 30,000 की संख्या होगी तो आज के आधुनिक भारत में कैसे सहस्तित्व? मैं कहने जा रहा हूँ कि जितना हो सके कम से कम 3 तो हमें मिल जाए। भारत, भारत 3 अक्षर है ना, तो कम से कम 3 तो हमको मिल जाए मित्र। अयोध्या मिल जाए, काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, फिर देखेंगे। नहीं जगत गुरु, इसमें थोड़ा सा ये लोगों के मन में भी रहता है और कई बार ये चर्चा में भी आता है कि इन 3 स्थानों पर क्या हिंदू जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आप जैसे जगत गुरु हैं, उनकी तरफ से क्या कोई भरोसा जाएगा कि ये 3 स्थान हैं, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे? नहीं, क्या तो नहीं करना चाहिए? वो तो परिणाम बताएगा, पहले 3 मिल जाए फिर हम बताएंगे। जगत गुरु, लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं ये 3 मिल जाएं, लेकिन कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या हो गया, बस अब काशी और मथुरा की बात नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मोहन, मैं इस समय धर्माचार्य के मानक से चर्चा कर रहा हूँ, और मोहन भागवत धर्माचार्य नहीं है, ही इज नॉट धर्माचार्य। एक बस कंटिन्यू कर लूँ इसमें। 1991 का एक कानून भी है देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिस जगह पे है वो वैसे ही रहेगा, उसी स्वरूप में रहेगा। ऐसा नहीं है, कानूनों में परिवर्तन भी होते रहे हैं। भारतीय संविधान में ही लगभग 26 परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा है शाश्वत वो हमें मिलना चाहिए। ज्ञान, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ज्ञानवापी भारतीय प्रतिभा का पुंज है, और मथुरा गीता गायक की जन्मस्थल, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस पर समझौते का प्रश्न ही उठता। जैसे शंकराचार्य होते हैं उसी अधिकार से मैं भी जगत गुरु हूँ। भारत में 6 जगत गुरु हैं और 6 के समान अधिकार होते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे मैं रामानंदाचार्य, चाहे मध्वाचार्य, चाहे निम्बार्काचार्य। तो हम उस एक धर्माचार्य के अधिकार से कह सकेंगे कि जो हमारा है कम से कम 3 हमें मिल जाए, इसके बाद हम प्रयास करेंगे, उतना हम करेंगे जिससे भारत की अखंडता बनी रहे, भारत का अस्तित्व बना रहे, भारत में कटुता न हो, पर 3 तो हमें मिल जाए। जगत गुरु जी, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर इस कानून को हटाना पड़ेगा। आप इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ मांग करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जो जो कानून में इंडिया दैट इज भारत, यही गलत है। हम तो कहेंगे भारत दैट इज इंडिया। क्या आप हिंदू राष्ट्र से भी सहमत हैं? वो बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। जो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय हिंदुस्तान नहीं बोल रहा हूँ जानकर, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान है तो वैसे हमारे शास्त्रों में तो हिंदू शब्द नहीं है, बहुत किसने कहा भारत है? किसने कहा? हुडी जगत गुरु जी, एक मैं पहले मैं बोलूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, शुक्ल यजुर्वेद की कौथुमी संहिता में एक मंत्र आया है जिसको माध्यान्दिनी शाखा में, धैर्य से सुनिए मेरी बात, जिसको माध्यान्दिनी शाखा में कहा गया मधुबातारितायते मधुक्षरंते सिंधवः, तो वहाँ आया है मधुबातारितायते मधुक्षरंते हिंदवः। तो जहाँ सिंधवः है वहाँ हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द आया है, हिंदू शब्द आया है, हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु सा हिंदूरिति कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुरवत्यस्तुयन्ते गावो यत्र समाहृता गो विप्र प्रतिमा सेवी
स हिंदू रीति कथ्यति, जहाँ हिंकार करती हुई गऊँ दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्पर गोभि प्रतिम तुलसी तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदू रीति कथ्यते, जहाँ हिंसा का हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम या तो हीनाम हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्ण स हिंदू कथ्य थे। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेर उपतंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधि भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए।